अद्भुत उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जहां बसते हैं नाग देवता। उत्तराखंड का वो इलाका जहां है सिर्फ नागों का मंदिर। पिथौरागढ़ में मानव की रक्षा करते हैं नाग देवता। नाग देवताओं के यहां एक नहीं बल्कि कई मंदिर हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, यानी जहां देवता बसते हैं, जहां इनके सैकड़ों धार्मिक स्थल हैं, जिनका जिक्र कई पौराणिक कथाओं में देखने और सुनने को मिलता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो ना पहले कभी सुनी होगी ना देखी होगी। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जहां नाग देवताओं का राज है, जहां नाग देवताओं के ही मंदिर हैं, और ऐसा कोई एक मंदिर नहीं बल्कि कई मंदिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नाग देवताओं के मंदिर की कहानी। दरअसल उत्तराखंड में नाग देवताओं के लिए एक बेहद प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम बेरी नाग है, जो पिथौरागढ़ से 87 किलोमीटर दूर है। वैसे आपको बता दें कि ये बेरी नाग नाम भी एक मंदिर की वजह से पड़ा जो इसी जगह पर स्थित है, और इस मंदिर का नाम है वेड़ी नाग मंदिर, जहां हर दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और इसी के नाम पर इस जगह का नाम बेरीनाग पड़ गया। यहाँ के लोग बताते हैं कि बेरीनाग का इतिहास काफी पुराना है और इस जगह पर नाग देवताओं के और भी मंदिर हैं जिनके नाम अलग अलग हैं। दरअसल नाग मंदिर ही आज इस क्षेत्र में आस्था के प्रमुख केंद्र हैं, और यहाँ पर नागों के अलग अलग मंदिर हैं जिनमें बेरीनाग, धौली नाग, फेड़ी नाग, पिंगली नाग, काली नाग और सुंदरी नाग मंदिर शामिल है। उत्तराखंड वासियों के मुताबिक ये नाग मंदिर इस क्षेत्र के लोगों के इष्ट देवताओं के मंदिर है। कहा जाता है कि इन मंदिरों में रहने वाले देवता बेहद शक्तिशाली हैं। कहा तो ये भी जाता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बेरी नाग के मंदिरों का इतिहास आर्यों से भी प्राचीन रहा है। मान्यता ये भी है कि काकेशियन आर्यों के इस क्षेत्र में आने से पहले यहाँ पर नागवंश का शासन काल था। इन सब कारणों से बेरी नाग आज नागों के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। वहीं कुछ धार्मिक पक्षकार इन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वारा पराजित किए गए काली नाग का वंशज मानते हैं, जिसके नाम पर यहाँ एक ऊंचा पहाड़ी है और उसके शिखर पर काली नाग का मंदिर मौजूद है। बता दें कि वेड़ी नाग देवता मंदिर में 2 मेले लगते हैं, जो उत्तराखंड में लगने वाले प्रमुख मेलों में से एक है। बेरीनाग नगर में लगने वाला पहला मेला भाद्र शुक्ल पंचमी यानी ऋषि पंचमी को लगता है, जिसे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। पहले ये मेला वेड़ीनाग मंदिर प्रांगण में लगता था, लेकिन बाद में ये बेरीनाग बाजार में लगने लगा। इस दिन लोग सबसे पहले वेड़ीनाग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और फिर नीचे बाजार की ओर आते हैं। इसी दिन वेड़ीनाग जी को पहला भोग लगाया जाता है। इस मेले में एक परंपरा काफी चर्चित है जो बोरा जाति की महिलाओं से जुड़ी है कि ससुराल से लड़की और मायके से माँ दोनों मेले में आती है और मेले में ही दोनों की भेंट होती है। ये लोग केले के पत्ते में खीर और पूरी लेकर आते हैं, जिसे आपस में मिल बैठ कर खाते हैं। आधुनिकता के दौर में ये परंपरा भी दम तोड़ रही है। वहीं अगर हम यहाँ दूसरे मेले की बात करें तो दूसरा मेला रात का मेला होता है, जो भाद्र शुक्ल पक्ष की अंतिम चतुर्दशी को लगता है। इस दिन राम गंगा के उस पार के लोग, जिन्हें स्थानीय भाषा में सुर्याओ बोला जाता है, झुंड में चैती चाचरी गाते हुए मंदिर पहुंचते हैं, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी शामिल होते हैं, जो 5 परिक्रमा कर पूजा पाठ करने के बाद खरीदारी करते हुए वापस अपने घर की ओर चल पड़ते थे। लेकिन वर्तमान में ये परंपरा समाप्त हो गई है। अब लोग बसों और छोटी गाड़ियों से मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं।
तो ये थी देवभूमि से हमारी स्पेशल स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही देवभूमि से जुड़ी दूसरी खबरों और मंदिरों की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।